एक बार फिर से आपको आंकड़ों के साथ रूबरू करा देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में इजाफा हुआ है। कल 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना केस में सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना केस की संख्या 22000 के पार पहुंच गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 184 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। जेल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले आने से हड़कंप मचा हुआ है। दो दिन पहले 77 कैदी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 26 जेल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में हैं। यानी आर्थर रोड जेल में अब कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है, जिसमें 158 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों को भी कोरोना बड़ी तेजी से अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसका कुल आंकड़ा 786 तक जा पहुंचा है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। भारत के कुल मरीजों में से करीब 1/3 संक्रमित अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या अब 22,171 हो गई है, जिसमें अकेले मुंबई में 13,739 कोरोना मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,278 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 875 सिर्फ मुंबई से हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 832 हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हालात ठीक नहीं दिख रहे। यहाँ मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 398 नए मरीज वायरस के संक्रमण के शिकार हुए हैं। अब गुजरात में कुल 8,195 लोग कोरोना से बीमार हो गए हैं। 278 नए मरीज अहमदाबाद से, जबकि वडोदरा से 25 और सूरत से 41 कोरोना मरीज सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 493 हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में अब 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और मरीजों की तादाद तमाम एहतियात बरतने के बावजूद बढ़ रही है। लिहाजा सभी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण से बचने के उपाय को जीवन में उतारें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।